पहले हिंदी में पूछिए सर, मुंबई की बैठक कितनी अहम मानते हैं इंडिया गठबंधन के लिए और क्या उत्तम उम्मीद करें? मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है इसका, किसका संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी पहली तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले दो बार की बैठकों का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीज़ें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिकार्जुन जी का नाम, देखिए कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे, ये जरूरत है कन्वीनर की नहीं है वो पता लगे। देखिए सीटों का बंटवारा अभी आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमारा चंद्रयान वहाँ चांद पे पहुँचा है, आपके चंद्रयान यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अभी बैठेंगे आराम से आपके शहर में, आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें, यहाँ भाईचारे को कैसे कायम करें, यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे क्योंकि ये भारत हम सबका है, इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है, उसके लिए हमने लड़ना है। ये देश जब चलेगा आगे जब हम सब इसके साथ होंगे तब हम लोग आगे बढ़े। देखिए आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं जो मैं जिसका मैं जवाब दे नहीं सकता। पहले हम लोग आए हैं, आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे, ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन वो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने। अब एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कल प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस में 200 रुपए की छूट दी। देखिए इलेक्शन तक आप देखेंगे क्या क्या छूटें होंगी, आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। यहाँ तो जनाब अगर इनसे बनेगा ये चंद्रयान से पता नहीं क्या क्या नीचे लाएंगे इलेक्शन तक। सर चाइना मैप की बात करें, चाइना ने एक नया मैप जारी किया। देखिए चाइना का अपना रास्ता है, हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है, हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा, हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है, हमारे जवान कर रहे हैं इस वक्त, अपनी जानों पे खेल के वो कर रहे हैं। गठबंधन का आपको लग रहा है सर, दो बैठकें हो चुकी, तीसरी बैठक होने के पहले ही जो है 200 रुपए कम कर दिए गए सरकार की तरफ से, आपको लग रहा है असर हो रहा है दबाव? मैं समझता हूँ इनको भैया 200 क्या है, इनको 500-700 करना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है भैया, गरीबी इतनी बढ़ गई है, लोग थक गए हैं। बिजली की कीमत देखिए कहाँ पहुंची, आप जो खाने की चीजें खा रहे हैं उनसे पूछिए कहाँ है, आपके खाने के तेल की कीमत पूछिए कहाँ है, क्या कह रहे हैं आप, कितने हैं जो इतनी नौकरियां मिलेंगी, कहाँ है वो इंडस्ट्री होगी, कहाँ है वो, कहने की बातें और है, देखने की बातें और है। चाइना घुसपैठ की हमेशा हमने देखा है, चाइना जो है हमेशा घुसपैठ करते रहा है, लगातार विपक्ष दबाव बना, लेकिन केंद्र सरकार या मोदी की तरफ से कोई इस तरह से कोई भी कार्यक्रम, मतलब ये सवाल आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछते हैं, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, ये फॉरेन मिनिस्टर से पूछ। इंडिया गठबंधन में कुछ नए दल भी जुड़ रहे हैं, कई जो बहुत जुड़ रहे हैं। कुल कितने सदस्य पार्टी में? अभी जम्मू से पैंथर पार्टी भी आ रही है जो इस बैठक में आ रही है। और आप सर आप भी कोशिश कर रहे हैं नीतीश जी की तरफ से कोशिश? देखिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि वतन बचे, हमारा आईन बचे और हम लोग आगे चल सकें यहाँ पे सबको लेकर। मैंने आपसे कहा ना ये वतन हम सबका है,
एकता और अनेकता। जब तक अनेकता मजबूत होगी तो एकता मजबूत होगी। हमें उसको मजबूत करना है जिसमें हम लोग सब आगे चल सकें और भारत की मुश्किलें कम कर सकें। सर, एक डाटा सामने आया है, प्यू रिसर्च डाटा है, उन्होंने कहा है कि 80% लोग जो है प्रधानमंत्री को काफी लाइक करते हैं। ऐसा दावा किया, ऐसा दावा है, कौन कहता नहीं है? पॉपुलैरिटी तो हर एक, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी कम थी, जब वो हारी कम थी पॉपुलैरिटी, वो तो दुर्गा थी। आप जानते हैं वाजपेयी जी ने जब बांग्लादेश का हुआ था, उनका उनको टाइटल दिया था दुर्गा। तो देश के लोग फैसला करेंगे। कर्नाटका में वो कहते थे ना हम जीतेंगे, 300 सीटें लाएंगे, क्या हुआ? लोग जो हैं वो अपने वक्त पे फैसला करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग होता तो मैं उसको इस तरह हिलाता, मैं कहता यार जीनी मुझे बताओ हम कितनी सीटें जीतेंगे। वो मेरे पास है नहीं, न मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जिससे मैं कहूँ अरे मशीन ये बता हम कितनी जीतेंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन सर प्रधानमंत्री, हमारे लोग जो हैं वो बड़े चालाक हो गए, उनको जो करना होगा वो वक्त पे करेंगे, कहेंगे नहीं। लेकिन वन ऑन वन फाइट को लेके सहमति हो गई आपकी 450 सीटों पे, आप लोग के जितने भी इंडिया गठबंधन के दल, अरे आप खाए को परवाह करते हो? परवाह क्यों करते हो? जो होगा वो होगा, जानने वाला सिर्फ भगवान है कि क्या होगा। हमने कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल कर सकें। हो गया काफी। लेकिन आप दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि 300 प्लस हिस्सेदार लोकसभा। मैं समझता हूँ उनने हर वक्त दावा किया, आगे भी वो उनके पास मेरे ख्याल से कोई ऊपर से भगवान की तरफ से कोई मैसेज आया है कि वो इतना सीटें जीतेगा। हमें अभी भगवान का टेलीफोन नहीं आया है, जिस दिन आएगा हम आपको बताएंगे। शिवसेना ने आशंका जताई है कि चुनाव के ठीक पहले दंगे कराने की कोशिश हो सकती है, राम मंदिर के जो भक्त आएंगे उनका ट्रेन पर पथराव हो सकता है। आपको लग रहा है कोई ऐसा कुछ हो सकता है, आशंका है, आप लोगों को डर है? इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, मगर हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ऐसी बातें ना हो और आराम से इलेक्शन हो, लोग आराम से वोट डालें और आराम से उसका नतीजा निकले, जो भी जीतता है वो बादशाह। लेकिन सर आप सहमत हैं उनके बयान से, जिस तरह जो कह रहे हैं कि 2024 दंगे हो सकते हैं, संजय राउत के बयान से सहमत हैं जो कह रहे हैं? आज क्या दंगे कर नहीं हो रहे, उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हो? अभी से शुरू हो गए हैं, है सर भाई, काफी हो गया। ठीक है सर, आइए, मेहरबानी, शुक्रिया, मम्बे वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।